शालोम। खुदा की बादशाही और हकीकी अजमत पाने के लिए खाकसारी अपनाइए। मत्ती 18वां बाब शागिर्दों के एक सवाल से शुरू होता है, जो वो यीशु से पूछते हैं, क्या आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन होगा? यीशु बच्चे को दरमियान में खड़ा करते हैं और कहते हैं कि जो इसकी मानिंद होगा वही आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकता है। असल में यीशु ने आसमान की बादशाही में होने की बात को पीछे छोड़ दिया और उसमें दखूल के ऊपर ही एक शर्त रख दी कि आसमान की बादशाही के दरवाजे ही तुम पर तब खुल सकते हैं जब तुम बच्चे की मानिंद बनते हो। यीशु का कतअन ये मतलब नहीं था कि जिस तरह बच्चे जल्दी यकीन कर लेते हैं तो हमें भी बिना अक्ल और तहकीक व दलील के यीशु को फौरन मान लेना चाहिए, और ना ही यीशु का बच्चे की मानिंद होने से ये मुराद थी कि जिस तरह बच्चे का कोई इल्म और तजुर्बा नहीं होता तो उन्हें भी बगैर इल्म और तजुर्बे के फैसला करके यीशु को कबूल कर लेना चाहिए। अजीजो, याद रखिए, एक बच्चे में जहाँ ये कमियां होती हैं वहाँ बहुत सी खूबियां भी होती हैं। मसलन बच्चा मासूम होता है, वो शदीद गुनहगार नहीं होता। बच्चा अपने माँ बाप पर तवक्कुल और कामिल भरोसा करता है, वो तहकीक में दिलचस्पी रखता है। एक बच्चा रूहानी और अकली तौर पर दुनियावी तजुर्बात की वसात से रोज बरोज तरक्की करता जाता है। बच्चा खतरात से नहीं डरता, बच्चा अपनी बड़ाई को नहीं जानता, बच्चे में मुआफ़ी का जज्बा होता है, वगैरह वगैरह। ये खूबियाँ यीशु की बात को समझने और समझाने के लिए काफ़ी हैं। इन्हीं खूबियों को सामने रखते हुए यीशु ने आसमान की बादशाही के लिए एक बच्चे को शागिर्दों के सामने खड़ा किया। असल में दीगर अनाजील के बयान से ये बात साबित होती है कि शागिर्दों में खुदा की बादशाही में अपनी अजमत को लेकर बहस चल रही थी। जो यीशु के ज़्यादा करीब थे वो यीशु से ज़्यादा की उम्मीद लगाए हुए थे, और जो दूसरे शागिर्द थे वो अपनी कमतरी के बायस परेशान हाल थे। शायद इन्हीं शागिर्दों में से किसी ने ये सवाल पूछा हो। बहरहाल, सवाल किसी ने भी पूछा हो, हमें यीशु से जो जवाब मिला उसने ये वाज़ेह कर दिया कि हमारा यीशु में रुतबा तभी बुलंद होगा जब हम खाकसारी अपनाएंगे। आज आप अपने आप को बंद आंखों के आईने में देखें। आप यीशु के खादम होने के नाते क्या आप खाकसार हैं? फिर यीशु ने मजीद इस बात को खोला और खादमीन के सामने ठोकर रखने वालों को सख्ती से लिया। यीशु बदन के अज़ा की बात करते हैं कि अगर उनमें से कोई उज्व तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे काट फेंको। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू। असल में ये बदन के अज़ा हमारे अपने करीबी रिश्तेदार हैं, चाहने वाले हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके बिना हम रह नहीं सकते और जो हमारे बिना रह नहीं सकते। अगर वो हमारे ईमान में रुकावट बनते हैं तो हमें उनसे अलहदगी अख्तियार कर लेने की ज़रूरत है। फिर यीशु कहते हैं कि अगर इनकी वजह से कोई खो भी जाए तो खुदावंद उसे ढूंढ निकालेगा, क्योंकि जिस तरह हम अपनों से जो हमें दुख देते हैं या हमें ठोकर खिलाते हैं और हम फिर भी उनसे मोहब्बत जताते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसी तरह खुदा तमाम दुनिया का मालिक इस दुनिया को बचाना चाहता है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता और ठोकर खिलाने वालों को हमसे दूर करना चाहता है। इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द निगाह रखनी है, और अगर कोई हमारा अपना हमारे बारे में गुनाह करता है तो उसे फौरन दूर नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उसे पहले खुद समझाना है, फिर भी ना समझे तो एक दो लोगों को साथ में ले जाकर समझाना है, फिर भी ना समझे तो कलीसिया के बुजुर्गों को साथ मिलाना है, और अगर उनकी भी बात रद्द कर दे तो फिर उससे अलहदा हो जाना है। यानी बहुत हद तक कोशिश करनी है।
ये कोशिश एक खाकसार इंसान ही कर सकता है। अजीजो याद रखिए, मगरूर और घमंडी इंसान खाकसारी से कोसों दूर रहता है। आज आप अपने आप को देखिए कि आपने कितनों को माफ किया है और कितनों को नहीं किया। क्या आपने कभी अपने दुश्मनों को या अपने बुरा चाहने वालों को इस हद तक जाकर मनाने की कोशिश की है? अगर नहीं की तो याद रखिए, आपको बच्चे की मानद बनना है, क्योंकि हमें हर एक को, चाहे वो हमारा कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, उसे माफ करना है। उसे अपने से अलहदा या उससे अलहदगी सिर्फ तभी अख्तियार करनी है जब आप यीशु के मुताबिक हर मुमकिन हद तक उसे मना नहीं देते। हाजरीन ग्रामी, याद रखिए, यीशु से बढ़कर माफ करने वाला इस वक्त तक दुनिया में कोई भी नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है। उसने जो कुल कायनात का अख्तियार रखता है, अपने आप पर हाथ उठाने वालों को माफ कर दिया, अपने पर थूकने वालों को माफ कर दिया, अपने पर कोड़े बरसाने वालों को, मसलूब करने वालों को, आजमाने वालों को, ना मानने वालों को, सबको माफ किया। ये बात उन्होंने साबित की कि खुदा ने पहले कलाम से, फिर नबियों पैगंबरों से, फिर बेटे के रूप में अपनों को समझाया, फिर भी वो ना माने और गैर कौम वालों को, जो खुदा को जानते ही ना थे कि वो किसको सलीब दे रहे हैं, उनको भी माफ कर दिया। ऐसा कौन शख्स है, ऐसा कौन खाकसार है, ऐसी कौन सी शख्सियत है? अजीजो, मैं और आप उसी राहबरे आजम के पैरोकार हैं। आइए हम भी यीशु को देखने के लिए, उसके दर्शन के लिए, उसकी महफिल के लिए, खुदा की बादशाही में दखूल के लिए खाकसर बन जाएं। थोड़े वक्त के लिए इस कलाम पर सोचिए, ध्यानो ज्ञान कीजिए, और मेरी दुआ है कि खुदावन में आपका आज का दिन खुशगवार और बाबरकत हो। सलामत रहें।